अस्सलाम वालेकुम पार्ट थ्री ऑफ़ एफपीएससी लेक्चरर टेस्ट व्हिच इज़ एजुकेशन पोर्शन और पेडोगोजी पोर्शन एजुकेशनल टेक्सोनोमीज़ पर वीडियो बना रहा हूँ आज की वीडियो सोलो टेक्सोनोमी के ऊपर है और ये इस टॉपिक की लास्ट वीडियो है इसके बाद हम न्यू टॉपिक टेस्टिंग एंड एवोलेशन स्टार्ट करेंगे सो सोलो टेक्सोनोमी सोलो इज़ एन एवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स ये टेक्सोनोमी कैन कॉलिस और जॉन बिग्स ने 1982 में अपनी किताब एवेलिंग द क्वालिटी ऑफ लर्निंग में इसके बारे में जिक्र किया था सोलो किस चीज के बारे में है या ये क्यों पेश की गई सोलो टेक्सोनोमी एक ऐसा टूल है एक ऐसा अप्रोच है जिसके बारे में हमें यह मालूम होता है कि बच्चों ने स्टूडेंट्स ने लर्नर्स ने किसी भी चीज को किसी भी जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं जो भी उनको हम चीज़ सिखाना चाहते हैं वो कितना समझ लिया है यानी कि उनकी अंडरस्टैंडिंग को उनकी समझ को जानने के लिए जांचने के लिए हम इस टूल का इस टेक्सोनोमी का सहारा लेते हैं सोलो टेक्सोनॉमी इज़ एन अप्रोच टू अंडरस्टैंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग मुख्तलिफ़ल्स ये हमें बताता है कि अगर स्टूडेंट्स ने इतना समझ लिया है तो उनका लेवल ये होगा उनको मज़ीद हमने ये ये चीज़ें पढ़ानी है या इस तरह काम करना है तो जिस तरह के बाकी हमने टेक्सोनिज़ के मुख्तलिफ लेवल्स पढ़े हैं इसी तरह यहाँ पर भी हैं बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के अतबार से इसके मुख्तलिफ लेवल्स हैं इट प्रोवाइड्स अस्टमेटिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द लर्नर्स परफॉर्मेंस जो लर्नर्स हैं सीखने वाले उनकी परफॉर्मेंस के अतबार से ये एक सस्टमेटिक वे बताता है कि कोई भी चीज़ अंडरस्टेंडिंग कहाँ तक पहुँचगी ये जब बच्चों ने जब कुछ नहीं सीखा तो उनका लेवल क्या होगा जब उन्होंने टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ मतलब कि फर्स्ट स्टेप अगर सीख लिया तो फिर लेवल किधर होगा थोड़ा मज़ीद सीखा तो लेवल क्या होगा तो इस तरह के मुख्तफ़ लेवल्स आ, सोलो टेक्सानोमी एक्सप्लेन करती हैं सोलो टेक्सानी का टीचर्स को फ़ायदा ये है एजुकेशनस्ट को कि वो अपने लर्नर्स के बारे में आ, देख सकते हैं बता सकते हैं कि वो सीखने के फीस में अंडरस्टैंडिंग के फीस में कहाँ पर खड़े हैं वो उन बच्चों को जान सकते हैं और उन्हें मज़ीद Uh, समझ बूझ की कितनी ज़रूरत है तो इस तरीके से ये टीचर के लिए फ़ायदा मंद है सोलो टेक्सोलोमी के दो कैटेगरीज हैं और पांच लेवल्स हैं सोलो टेक्सोलॉमी के जो दो कैटेगरीज़ हैं उसमें सरफेस और डीप शामिल है सरफेस की आगे मजीद तीन लेवल्स हैं जबकि डीप के दो लेवल्स हैं तो सरफेस का पहला लेवल है प्री स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल देन मल्टी स्ट्रक्चरल उसके बाद डीप जो कैटेगरी है उसके मजीद दो लेवल्स हैं रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड एबस्ट्रैक्ट अब हर एक को डेफिनेशन uh, या एग्जांपल के साथ पढ़ लेते हैं so, so,

स्टूडेंट की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है टॉपिक के बारे में स्टूडेंट्स को टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है तो ये इसका पहला लेवल है कि ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर स्टूडेंट इस लेवल पर होगा तो वो उसका प्री स्ट्रक्चरल लेवल होगा धैन वी हैव यूनीट्रक्चरल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक यूनी वन के लिए इस्तेमाल होता है फॉर एक्ज़ाम्पल अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की ही बात की जाए तो वो कोई एक पार्ट ऑफ स्पीच उसको आता हो उसको अंडरस्टैंड कर सके फॉर एग्ज़ाम्पल नाउ देन वी हैव मल्टी और मल्टा इस्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक बट देर रिलेशनशिप टू ईच अदर इज़ नॉट अंडरस्टूड यानी कि एस्पेक्ट तो ज़्यादा आते हो तो दो या दो से ज़्यादा मगर उनके दरमियान रिलेशनशिप उसको ना पता हो रिलेशनशिप उनके दरमियान बयान ना कर सके फॉर एग्ज़ाम्पल नाउन प्रोनाउन वर्ब इन सब की डेफिनेशन तो आती हो मगर नाउन का प्रोनाउन के साथ क्या ताल्लुक है या नाउन का वर्ब के साथ क्या ताल्लुक है या प्रोनाउन का वर्क के, के साथ क्या रिलेशन है इस रिलेशनशिप के बारे में उसको मालूम ना हो तो ये स्टेज मल्टी स्ट्रक्चरल स्टेज कहलाएगी सो आफ्टर फर्स्ट थ्री लेवल्स पहले तीन लेवल्स के बाद हमारे पास फोर्थ रिलेशनल सोलट एक्सटोनोमी का है फोर्थ लेवल है रिलेशनल लेवल अब इसमें क्या है बच्चे को मुख्तलिफ इस्पेक्ट्स टॉपिक के पता चल चुके हैं मालूम हो चुके हैं अगर उसको इनके दरमियान जो ताल्लुक़ है रिलेशनशिप है अगर वो भी मालूम हो जाए तो इसका मतलब ये है कि उसने अंडरस्टैंडिंग की फोर्थ लेवल को अचीव कर लिया है मल्टी स्ट्रक्चरल तो हो चुका है वो लेवल तो अचीव हो चुका है यानी कि टॉपिक के, के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के बारे में मालूम हैं मगर हर एक की अगर रिलेशनशिप भी मालूम हो जाए उनके दरमियान ताल्लुक भी पता चल जाए तो फोर्थ लेवल ऑफ सोलो टेक्सोनि अचीव हो जाएगा सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक फॉर एग्ज़ाम्पल रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन वर्ब एंड एडवर्ब, चूंकि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की एग्जाम्पल स्टार्ट की है तो अगर नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब के दरमियान अगर वो रिलेशनशिप कर सके इनके दरमियान अगर फ़र्क मालूम हो सके तो इसका मतलब ये है कि फोर्थ स्टेज फोर्थ लेवल अचीव हो चुका है नेक्स्ट वी हैव द लास्ट लेवल एक्सटेंडेड एबस्ट्रैक्ट अब इसमें क्या है

उसको पता हो कैसे इस्तेमाल करना है वो अगर जान जाए कि इसको कैसे अप्लाई करना है तो उसका मतलब यह है कि फिफ्थ लेवल सोलो टेक्सोनोमी का या अंडरस्टैंडिंग का अचीव हो चुका है मिसाल क्या है मिसाल के तौर पर अगर कोई भी टेक्स्ट दे दिया जाए और उसमें से स्टूडेंट को कहा जाए कि मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलहदा करो अगर वह बता सके किस में नाउन कौन सा है प्रो नाउन एडवर्ड कौन इसी तरह मजीद जो है एजेक्टिव अगर वो सब के बारे में बता दे का मतलब यह है कि उसने यह लेवल एक्सटेंडेड एबस्ट्रेक्ट को अचीव कर लिया है और सोलो टेक्सोनोमी के मुताबिक यह हाईएस्ट लेवल है अंडरस्टैंडिंग का यहां पर टॉपिक के मुताबिक यानी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाती है बच्चा टॉपिक को मुकम्मल तौर पर सीख लेता है उस पर मुकम्मल तौर पर रबूर हासिल कर लेता है सो so, ये फाइव लेवल्स थे जो सोलो टेक्सोनोमी के मैंने बता दिए अब जो टक्सोनॉमीज़ हम पढ़ चुके हैं उनके समरी मैंने यहाँ पर इस पेज पे लिखी है सबसे पहले कॉपलेटिव डोमेन के बारे में पढ़ा जो बेंजामिन ब्लूम ने दी थी ईयर 1956 में और उसके सिक्स लेवल्स थे हर एक को मैं अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप जाकर देख सकते हैं नेक्स्ट टेक्सोनोमी हमारे पास एफेक्टिव डोमेन थी जो थवॉल ने 1964 में दी थी और इसके फाइव लेवल्स हैं नेक्स्ट वी हैव साइको मोटर डोमेन गिवन बाय सिमसन इन 1972 एंड इट हैज़ सेवन लेवल्स जो पहले तीन डोमेन्स हैं एजुकेशनल टेक्सोनिज हैं उनके ईयर याद करने का मैंने तरीका ये बताया था कि अगर आपको पहला साल कोपरेटिव डोमेन का 1956 मालूम हो जाए तो आप हर एक में नेक्स्ट में आठ को जमा करें एट ऐड करते जाए फिफ्टी सिक्स प्लस एट इज सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर प्लस एट इज सेवेंटी टू तो इस तरीके से आपको बाकी दो भी मालूम हो जाएंगे देन वी हैव सोलो टैक्सोनोमी जो कि हमने आज की वीडियो में देखा उसको पढ़ा गिवन बाय बिग्स एंड कॉलेज इन नाइनटीन एटी टू एंड इट हैज फाइव लेवल्स तो इसके साथ हमारा टेक्सोनॉमीज का पहला टॉपिक खत्म हुआ अगली वीडियो से हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट बुक टेस्टिंग एंड एवेल को स्टार्ट करेंगे तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़